नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर सिंगरौली से है, जहां भारत की मिनी रत्न कंपनी NCL के गोरबी ब्लॉक बी परियोजना के पुराने खाली पड़े 100 क्वार्टर्स जो जर्जर हालत में थे, जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। 38 लोगों ने तो पहले ही क्वार्टर्स खाली कर दिए थे, मगर 62 लोग खाली नहीं कर रहे थे, जबकि क्वार्टर्स काफी पुराने थे जिससे गिरने की उम्मीद थी। NCL प्रशासन के माध्यम से कई बार नोटिस दिया गया था, मगर लोगों ने क्वार्टर खाली नहीं किए। फिर NCL ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक हफ्ते पहले नोटिस दिया था। उसके बाद कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने SP बीरेंद्र कुमार सिंह के साथ बैठक करके अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग की। उसके बाद SDM देवसर विकास सिंह और SDM चितरंगी संपदा सर्राफ की मौजूदगी में कई थानों का पुलिस बल, SDOP मोरबा के साथ 80 पुलिस जवान, कई थानों के TI, NCL के सुरक्षा अधिकारी, निजी 110 गार्ड के साथ आधा दर्जन से अधिक JCV, 50 से अधिक पिकअप वैन कब्जाधारियों के समान शिफ्ट करने के लिए 3 एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीम के साथ दस्ता पहुंचा और क्वार्टर से अवैध कब्जा हटाकर 7 घंटे के बाद पूरे आवास को समतल कर 5 एकड़ भूमि को खाली कराया। खाली कराए गए जमीन की कीमत 50 करोड़ की अनुमानित है। कब्जा हटाने से पहले कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, कई लोगों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया। कुछ के पास रहने तक के लिए मकान नहीं थे, वो बेचारे गरीब बेघर हो गए और आवासों से निकलते समय काफ़ी रो रहे थे। आवास जमी दोस्त करने से पहले पूरे क्वार्टर्स को चेक किया गया कि कोई अंदर तो नहीं है, और देखते ही देखते 62 क्वार्टर्स 7 घंटों में मलबे में तब्दील हो गए। अच्छा, आप लोग काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, मजदूरी कर रहे थे। अब 60 साल पूरा हो गया, तो वो भी नहीं करता, 5-3 साल बेटा मर गया। तो कोई, कोई नोटिस वगैरह दी गई थी आप लोगों को घर गिराने के पहले? दिए, हम लोग बोले हम दे, उसके पटारी के पास भी रो है, मलिया हमारा कोई सहारा नहीं है। लोगों को बेघर किया जा रहा है। आज हम लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, अपनी मरम्मत करा के जी खा रहे थे, बच्चे पढ़ा लिखा रहे थे। आज मेरे बच्चे परीक्षा भी देने नहीं गए, केवल घर के वजह से। कितने लोग होंगे आपके इस तरह के जिन्हें इस जगह पे? सर हम लोग 55-60 घर के करीबन में, और बहुत दिनों से रह रहे हैं, करीबन 15 साल हो गए। कभी नोटिस वगैरह कोई दी गई थी प्रशासन द्वारा भी खाली करवाने के पहले? सर जी, NCL द्वारा दी गई थी, प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया। आज इत्तेफाक प्रशासन आकर के हमें और बेघर किया जा रहा है। NCL के द्वारा दिया गया। देखिए, NCL ब्लॉक बी गोरबी की एक कॉलोनी थी पहले, जिसमें लगभग 62 कम मकान ऐसे थे जो जिसमें अवैध रूप से लोग निवास कर रहे थे, और इसके खाली कराने के लिए कई बार NCL ने प्रयास किया, लेकिन ये खाली लोग नहीं किए, क्योंकि मकान अत्यंत जर्जर हो चुका था, कभी भी गिर सकता। तो ये लोग माननीय उच्च न्यायालय गए थे, और माननीय उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई 2022 को आदेश किया कि जिला प्रशासन इसको 3 सप्ताह के अंदर खाली करा के इसको ध्वस्त करे। उसके तहत कलेक्टर महोदय ने SDM चितरंगी को आदेशित किया कि इसमें वैधानिक कार्रवाई करके इसको खाली कराया जाए। उसी के तहत SDM चितरंगी ने नायब तहसीलदार जानू शुक्ला को आदेशित किया कि आप इनको सूचना दे करके और इनको खाली कराने की कार्रवाई करेंगे।
नायब तहसीलदार के द्वारा प्रत्येक परिवार को तत्से नोटिस दी गई, सूचना दिया गया कि आप इतनी तारीख तक खाली कर दें, अन्यथा इस शासन द्वारा इसको खाली कर दें। इसी के तहत लगातार इनको सूचना दी जाएगी और पहले 14 सितंबर को खाली करा जाना था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं खाली करा पाया, फिर 16-20 तारीख का डेट निर्धारित थी। बाकायदे लोगों को सूचित किया गया, उसके पश्चात आज हम सभी लोग उपस्थित हुए और उनको लेबर और गाड़ी दे करके उनको स्वतः उनका आदेश दिया कि अपना घर खाली करें। वो लोग अपना घर स्वतः खाली कर रहे हैं और अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही सब खाली हो जाएगा तो हम लोग उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मकान अत्यंत जर्जर है और उसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम लोग इस पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर इसको विधान करें।